नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MSSC नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग आपके सामने फिर से लेके आए हैं 25 क्वेश्चंस का। ये हमारा पार्ट 3 होगा और लगभग हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस किए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा रिवीजन टेस्ट टाइप चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपने लास्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं 25 में से। ठीक है, सुपर फास्ट होगा, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी से जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसी के साथ पुरोधा का संधि विच्छेद, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा सभी लोग। पुरोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, या पुरोधा में कौन सी संधि, पूरा धंधा, यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का है, चार ऑप्शन हैं। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो वो होता है मनः धनकूल मनुकूल। ठीक है, अगला है अहोरात्र, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। तो ये हो जाएगा आपका अहन धन रात्रि, अहोरात्र का संधि विच्छेद अहन धन रात्रि। अगला देखिए चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, चार ऑप्शन हैं, और बताना है इसमें कौन सा व्यंजन संधि का शब्द है, तो जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास जो है आपका किसका है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। पांचवा नंबर देखिए, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उपर्युक्त, तो उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, उपर्युक्त का होता है आपका उपरिधन युक्त होता है। चलिए अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, चार ऑप्शन हैं। अभ्यर्थी, तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा ही हुआ है, अभ्यर्थी का क्या होता है, अभिधन अर्थी आपका अभ्यर्थी कहलाते हैं। अगला, किस क्रमांक शब्दगत संरचना में संधि नियम का उपवाद है, या उपवाद या अपवाद जो भी कह लीजिए, तो यहाँ पे कौन सा होता है, तो यहाँ पे होता है अक्षौहिणी। ठीक है, क्या होना चाहिए, अक्षौहिणी। अगला, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद, घुड़ दौड़ का संधि विच्छेद क्या होता है, घुड़ दौड़ का घुड़ दौड़ या घुड़ घोड़ा दौड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। पावक का संधि विच्छेद, या पावक में आपको बताइए कि पौधन का पावक, यहाँ पे अयादि संधि है, कौन संधि है, अयादीश्वर संधि। विपज ज्वाल में कौन सी संधि है, विपज ज्वाल में आपकी विपद जन ज्वाल, तो आपका व्यंजन संधि। 11वां नंबर, प्रत्युपकार, जल्दी जल्दी बताते चलिए, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है, तो प्रतिधन उपकार, यहाँ पे है यण संधि। ठीक है, आगे नयन का संधि विच्छेद, नयन में कौन सी संधि, नयन, नय धन नयनम। ठीक है, तो यहाँ पे अयादि संधि। दुष्टकार, दुष्टकार में कौन सी है, तो दुष्टकार, दुष्ट दुष्ट दुष्टकार या धनुष्टकार, दोनों बतिया सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे धनुष्टकार है तो धनु धन अष्टकार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग, अगर दुष्टकार भी होता तब भी आपका विसर्ग संधि ही होता, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए परस्पर, परस्पर में कौन सी संधि है, चार ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताते चलिए, तो यहाँ पर विसर्ग संधि पराधन। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। दिग्दर्शक, दिग्दर्शक में कौन सी है, तो दिग्दर्शक है आपकी व्यंजन, दिग्धन दर्शक। गिरीश शब्द में कौन सी संधि है, गिरिधन ईश, तो यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर संधि। आगे देखिए 27वें, परिच्छेद, तो परिच्छेद में कौन सी संधि है, जल्दी से, तो परिच्छेद में आपका व्यंजन संधि। ठीक है, तद्रूप, तद्रूप में कौन सी संधि है, तो तद्रूप में है आपकी व्यंजन संधि। भानुउदय, तो भानुउदय में कौन सी संधि है, तो भानुउदय में आपका दीर्घ स्वर संधि, भानुधन उदय। बहिरंग शब्द का कौन सा संधि विच्छेद, बहिरंग, बहिरंग में क्या होगा, तो बहिधन रंग ना, आप देखते हो विसर्ग लगता है बही, तो यहाँ पे विसर्ग संधि। बहुत कष्ट होना मुहावरे का मतलब क्या हो जाता है, इनमें से कौन सा है, तो छाती फटने को हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट होना, यहाँ पे छाती फटना। 22वें देखिए, ढाक के तीन पात होना, इसका मतलब क्या होता है, सदैव एक सी स्थिति होना, मतलब ढाक के तीन पात होना। आगे चलिए, आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या होता है, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे देखिए, सूरज पर थूकने का मतलब क्या होता है, भाई सूरज पर थूकेंगे तो क्या होगा, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। ठीक है, सूरज पर थूकना मतलब निर्दोष पर कलंक लगाना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर होना है, तो कार्य समाप्ति में देर होने का मतलब बोलते नहीं है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो दिल्ली दूर होना, कार्य समाप्ति में समय होना। इस प्रकार से आपके हमारे आज के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और हमें बताइएगा कि कोई भी अगर समस्या है तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।